सरोवर नगरी नैनीताल में कृष्णापुर वार्ड के लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर नगर पालिका परिषद के सभासद कैलाश रोतेला व पूर्व सभासद डीएन भट्ट के नेतृत्व में जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सन 2018 में बलियानाला क्षेत्र में हुए बड़े भूस्खलन के चलते मार्ग टूट गया था, जिसमें आम जनमानस को आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभासद रोतेला ने प्रशासन को एक हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस दौरान जुलूस में नो रोड नो वोट के नारे व पोस्टर लेकर चल रहे थे। हमारा एकमात्र रास्ता जो था रेवड़ी मार्ग कहते हैं उसे, बलिया नाले के कारण टूट चुका है। चार वर्षों से हमारे पास चलने लायक कोई मार्ग नहीं है जिसमें हम सुरक्षित आ जा सकते, और वर्तमान में जो रास्ता है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि पिछले जो वर्षा आई थी उसमें वो भी टूट चुका है और जनमानस की बड़ी पीड़ा है। और ये भी मैं कहूँगा कि शायद हमारी ही कोई कमजोरी थी, हमारी एकता में कोई कमजोरी प्रशासन को दिखी कि उन्होंने आज तक हमारे लिए कोई मार्ग नहीं बना पाई। इसलिए आज प्रशासन को चेताने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारा ये प्रारंभ है, ये हमारा अंत नहीं है, ये हमारा प्रारंभ है। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द जिला प्रशासन अगर नहीं सुनता है और हमें मार्ग रोड नहीं देता है तो जुलूस बढ़ेगा। आज 200 है तो कल 2000 भी हो सकते हैं। इसलिए जिला प्रशासन को सीधे सीधे चेताया जा रहा है जनता के द्वारा, हमें कानून हाथ में लेने की मजबूरी ना हो ऐसी कृपा करें। जनता अपना जीवन सुखी जीना चाहती है, उसे रोड में उतरने के लिए मजबूर बार बार ना करें। आप अपना कार्य करें, जनता को अपना कार्य करने दें, परंतु उन्हें सुख सुविधाएं दें। आप उन्हें क्या कहते हैं टैक्स लेते हैं, हर चीज़ से उन्हें मोनिफ्लाइज करते हैं और कहते हैं कि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, परंतु बड़ी विडंबना है मेरे क्षेत्र के लिए कि आज मेरे पत्रकार बंधु भी जब मेरे क्षेत्र के बारे में लिखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र लिखते हैं कृष्णापुर को। ये मेरे क्षेत्र की विडंबना है कि मेरे क्षेत्र के लिए कोई बोलने वाला आज तक नहीं आया, कोई जनता को एक करने वाला नहीं आया। आज हमने सारे कृष्णापुर वासियों ने एक होकर ये विश्वास और जताया है कि जब तक रोड नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, किसी भी सत्ता का सत्ताधारी हो, वो एक साथ रहेगा और जब तक रोड नहीं आएगी हम ऐसे ही ऐलान करते रहेंगे। और हमने जैसे कि अपने पत्र में लिखा है, अगर एक हफ्ते के अंदर जिला प्रशासन हमें इस बारे में सूचना नहीं देता कि हमें संबंधित जगह से रोड दी जा रही है, उसकी तैयारी करी जा रही है, उसके अन्यथा एक हफ्ते बाद हम खुद मिट्टी बेलचा लेकर खुद रोड खोदने चले जाएंगे। जिसके बाद अगर प्रशासन हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा तो याद रखे हर बच्चा कृष्णापुर का घर से निकलकर जेल भरे आंदोलन शुरू करेगा। यह कृष्णापुर का है।